भारत के खिलाफ यूएसए की हार के बाद टीम पाकिस्तान की लगी लॉटरी। टीम पाकिस्तान की हुई सीधा वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 में एंट्री। जी हां दोस्तों, आखिरकार भारत के खिलाफ यूएसए की हार से किस तरह से लगी टीम पाकिस्तान की लॉटरी और किस तरह से अब पाकिस्तान की टीम सुपर 8 में करेगी एंट्री, बताएंगे आपको सब कुछ आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी हैं टीम पाकिस्तान के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय टीम ने आखिरकार रोमांचक मुकाबले में यूएसए को हरा दिया। आपको बता दें कि ये टीम इंडिया की लगातार तीसरी जीत रही और टीम इंडिया के 6 अंक भी हो गए हैं। टीम इंडिया ने न सिर्फ सुपर 8 में क्वालिफाई किया है बल्कि पाकिस्तान को भी सुपर 8 में पहुंचने के लिए काफी मदद की है। आपको बता दें कि कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और यूएसए की टीम 180 रन बना पाई। जवाब में टीम इंडिया ने इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया और टीम इंडिया की जीत के बाद अब पाकिस्तान के लिए भी सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा हो गई है। हालांकि अब पाकिस्तान को क्या करना होगा, आइए वो भी आपको बताते हैं। आपको बता दें कि अब पाकिस्तान टीम का अगला मुकाबला आयरलैंड के खिलाफ है। ऐसे में पाकिस्तान टीम को आयरलैंड के खिलाफ एक बड़ी जीत दर्ज करनी होगी जिससे पाकिस्तान टीम का नेट रन रेट बेहतर हो जाए। हालांकि पाकिस्तान टीम को फिर ये भी दुआ करनी होगी कि आयरलैंड की टीम जैसे तैसे यूएसए को हरा दे जिससे उसका नेट रन रेट माइनस में हो जाए। भारत से मिली हार के बाद ऐसे ही यूएसए का नेट रन रेट माइनस में हो गया है और अगर आयरलैंड की टीम भी यूएसए को हरा देती है तो फिर नेट रन रेट के आधार पर पाकिस्तान की टीम सीधा सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाएगी, जो कि पाकिस्तानी फैंस के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं होगा। दोस्तों, आपके मुताबिक क्या पाकिस्तान की टीम अगले मुकाबले में आयरलैंड को हरा पाएगी या नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।